और एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी पहली बार मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाएंगे और मोदी के दोनों कार्यक्रमों में उनके जन्मदिन की थीम दिखाई दे, इसकी तैयारियों में सरकार लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आने वाले हैं, जहां वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर सरकारी स्तर पर कई तैयारियां की जा रही हैं, ताकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाया जा सके। इस मौके पर सरकार पीएम को मुरैना के सरसों तेल, चंदेरी के अंगवस्त्र, शिवपुरी के जैकेट, डिंडोरी की चित्रकला के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये सारे उत्पाद तोहफे के तौर पर भेंट भी किए जाएंगे। मोदी के जन्मदिन पर 5000 लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। पीएम के जन्मदिन पर कराहल में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन में करीब 3 लाख महिलाओं को ले जाने की योजना है। सरकार 17 सितंबर से लगभग 1.5 माह का जनसेवा अभियान प्रारंभ कर रही है। पौधारोपण, दिव्यांगों के लिए कैंप जैसे आयोजनों को भी रचना बनाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जन्मदिन के दिन हमारे बीच में आ रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़े गौरव का और सौभाग्य की बात है। उनका जन्मदिन भी है और उसी दिन वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी माता बहने हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर काफी तेजी से आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि पीएम के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन एमपी में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी तो पीएम अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सभी को मनाना चाहिए, हम भी उन्हें बधाई देंगे, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मगर उसे भव्य बनाए सरकार, उससे हमें भी आपत्ति नहीं है, मगर भव्य के स्थान पर सरकार खुद उनसे भयभीत है। अब वो चीते भी ला रहे हैं, हमने सुना है, जब ऑलरेडी यहाँ दो दो टाइगर मौजूद हैं तो चीतों की जरूरत क्या है। तो सरकार इसलिए भव्य बना रही है क्योंकि सरकार उनसे भयभीत है। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को आदिवासियों से जुड़े आयोजन में भोपाल आए थे। कूनो में चीतों का प्रवेश दिलाने आ रहे पीएम महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दिन मोदी का जन्मदिन होने के कारण अब भाजपा सरकार और संगठन उन्हें खुश करने का हर तरीका तलाश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हैं और सरकार इसकी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। कूनो में 2 कार्यक्रम होंगे, लेकिन इसके अलावा भी सरकार अपने स्तर पर अलग अलग आयोजनों को अंजाम देने वाली है, जिसमें तीर्थयात्रियों को भेजा जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लगभग 5000 तीर्थयात्री जाएंगे, 6 ट्रेनों से उनको भेजा जाएगा। इसके अलावा मंडला के, डिंडोरी के, शिवपुरी के, चंदेरी के ये उत्पाद जो हैं वो मोदी को भेंट किए जाएंगे। इसके साथ साथ भी अन्य कार्यक्रमों को करने की भी तैयारी चल रही है, जिसमें वृक्षारोपण अभियान उस दिन पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं, हेल्थ कैंप लगाने की भी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर पूरी बैठक ली है और अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की और भी भव्य तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाएंगे। वीडियो रासू के साथ नितेंद्र शर्मा। और आत्महत्या के रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एमपी में आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है और जिसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया था। ऐसा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बना है, ये रिपोर्ट देखिए। निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक वो विषय है जिस पर बहुत लंबा काम करना है और हमने हमारे विभाग की माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हम देश के पहले राज्य होंगे।